अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, एडिटोरियल डिस्कशन की हमने क्लासेस शुरू करी हैं और अभी तक जो हम डिस्कशंस जो हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स से कर रहे थे, अब वो डिस्कशंस जो हैं वो टोटली फोकस होगा द हिंदू के ऊपर। जिस तरीके का PT आ रहा है उसके अंदर द हिंदू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और हम किसी भी तरीके से द हिंदू के एडिटोरियल्स को ज़्यादा देर तक इधर उधर छोड़ नहीं या किसी भी तरीके छोड़ नहीं सकते। ऐसे में इन एडिटोरियल्स के दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला, प्रॉपरली नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव्स, हम द हिंदू के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट एडिटोरियल्स नहीं, बाकी सभी टॉपिक, उन सभी टॉपिक्स को कोशिश कंप्लीट करेंगे जो कि हमारा UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा ये है कि आप लोग हमारे अगर सारे आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं, सारे जो आर्टिकल एडिटोरियल डिस्कशन को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर हम कुछ गिने चुने एडिटोरियल्स को डालेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स को एडिटोरियल्स पढ़ने हैं या हमारी क्लासेस को अटेंड करना है, वो प्रॉपरली एडिटोरियल क्लास के लिए या एडिटोरियल्स के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकता है। नाउ द टॉपिक इज, दोस्तों अगर क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम पूरे एडिटोरियल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल जो है वो यहाँ पर आ रहा है हाथरस इंसिडेंट से, कि किस तरीके से हाथरस इंसिडेंट हुआ और किस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रोल प्ले कर रही है और किस तरीके से फैक्ट्स को छुपाया जाता है एंड ऑल। ये जो आर्टिकल है राजीव भार्गव जी ने लिखा है, जो कि ऑनररी प्रोफेसर हैं CSDS के अंदर, तो आप इनका पूरे का पूरा आर्टिकल देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इनके बारे में बताया है। इस आर्टिकल को आप द हिंदू में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, असलियत में द हिंदू एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए एक डर का माहौल रहता है ना। अब आप यहाँ देखेंगे, हालांकि अगर आप इस आर्टिकल की देखेंगे, एज ही इज़ अ प्रोफेसर और प्रोफेसर साहब भी बहुत हाईफाई लेवल के इंग्लिश लिख रहे हैं, तो आम स्टूडेंट को नॉर्मली ये लेक्चर जो है या ये आर्टिकल जल्दी से कम आर्टिकल्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो वो नॉर्मली जो हिंदी मीडियम या एक मिडिल लेवल के इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज को या इस आर्टिकल को समझने में प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं इस आर्टिकल को पढ़ाने की कोशिश जो कर रहा हूँ कि हाथरस एट्रोसिटीज़ का मतलब जो भी अत्याचार हुआ है इज वेइंग ऑन द नेशनल कॉन्साइंस, असलियत में सवालिया निशान यहाँ इस शब्द से खड़ा कर दिया, और वट एवर इज लेफ्ट ऑफ इट। पहली लाइन में ही जिस तरीके से सरकार के ऊपर धावा बोल रहे हैं खुलकर के, देश की जो मानसिकता है या देश की जो कंसाइंस है, मनोवृत्ति है, उसको या फिर वट एवर ऑफ इज लेफ्ट ऑफ इट या उसमें से कुछ बचा हुआ है वो भी समझे, वो उसके पास खुले तौर पर अत्याचार है। पीपल हैव विटनेस नॉट जस्ट द मोस्ट ब्रूटल फेस ऑफ सोशल ऑपरेशन, यहां वर्ड यानी हाथरस केस के लिए वर्ड यूज किया गया मोस्ट ब्रूटल फेस ऑफ सोशल एक्सप्रेशन, बट साइनिकल सनकी एंड ब्रेजन बेशरम, साइनिकल स्वार्थी सनकी या दोषदर्शी या और बेशर्म, ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म, ब्रेजन खुल्लम खुल्ला यूज ऑफ स्टेट मशीनरी, यहां सरकार के ऊपर आरोप देखिए, यूज ऑफ स्टेट मशीनरी टू सपोर्ट द ऑप्रेसर्स, दबाव डालने वाले लोगों के ऊपर राज्य की मशीनरी को किस तरीके से, उत्पीड़कों के लिए राज्य की मशीनरी को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ये डायमेंशन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सरकार के जो आलोचना करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामले में काम आने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं इनह्यूमन असॉल्ट, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, असॉल्ट ऑफ द टीनेज दलित गर्ल, यहां ये स्पेसिफिकली वर्ड यूज दलित कर रहे हैं, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। असॉल्ट ऑफ टीनेज दलित गर्ल, आई शल कॉल हर भारती, इन्होंने इन्हें भारती के आगे पुकारा है, दैट इवेंचुअली किल्ड हर वॉज फॉलोड बाय अ हेजिटेशन इन फाइलिंग द FIR। अब फॉलोड बाय द मीन्स, इन्होंने पॉइंट्स बताए, पहला पॉइंट क्या कि आपने FIR तक ही रिपोर्ट नहीं करी, दूसरा पॉइंट क्या, द कैलस एंड डेफर्ड, कैलस का मतलब संवेदनाहीन और डेफर्ड का मतलब है स्थगित या बिल्कुल ही
जिसे कहते हैं रोक दिया गया मेडिकल एग्जामिनर। रियलिटी बात है भाई, 10 दिन बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे तो क्या है। तीसरा, द नेग्लेक्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, मरते हुए जो उन्होंने बयान दिया था उसको भी नेग्लेक्ट किया गया। एंड मोस्ट अलार्मिंगली द हेस्ट, हेस्ट का मतलब जल्दबाजी, हेस्ट इन बर्निंग द बॉडी बाय पुलिस विदाउट अप्रोप्रिएट राइट्स। राइट्स यहां पर जो हैं इसका मतलब है अंतिम संस्कार जो होते हैं, राइट्स और द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स। इन 5-4 पॉइंट्स पर सवाल खुले तौर पर उठाए गए, इन शब्दों को देख लीजिएगा। और मैं जानबूझकर अपने हिंदी मीडियम के भाइयों के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं और जानबूझकर इनकी हिंदी बता रहा हूं ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एक एक शब्द के सरकार के ऊपर किस तरीके से मतलब हमला किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। और मानिए ये जिस तरीके से वर्ड है, एट्रोसिटी इज बीइंग ऑन द नेशनल कॉन्साइंस, ये जो वर्ड नेशनल कॉन्साइंस है ये पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि असलियत में जो हाथरस केस है, हालांकि सभी रेप्स के बारे में आगे यही है कि सभी रेप्स एक जैसे ही होते हैं, ब्रूटैलिटी होती है, लेकिन हाथरस केस जो है वो नेशनल कॉन्साइंस के ऊपर सवालिया निशान है। और आगे जिस तरीके से सरकार ने और जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया कि उत्पीड़क को सपोर्ट करने के लिए, ऑपरेसर मीन्स उत्पीड़क को सपोर्ट करने के लिए जिस तरीके से सरकार ओपनली स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया गया वो भी गलत है, या वो भी इस तरीके से है वो देखेंगे आगे। दिस विलफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस वॉज फॉलोड बाय पॉलिटिकल टायरनी, ये शब्द देखिए, दिस विलफुल डिस्ट्रक्शन वॉज फॉलोड बाय पॉलिटिकल टायरनी, जिसके अंदर अब आप ये देखेंगे फैमिली मेंबर्स वर वर्चुअली पुट अंडर हाउस अरेस्ट एक तरीके से, ठीक है। आपने देखा 2 दिन तक तो उनको किसी से मिलने भी नहीं दिया, एंटायर विलेज वॉज बैरिकेटेड, पूरे गायों कांओं को ही बैरिकेड्स कर दिया गया, मासिव पुलिस फोर्स, बहुत ज्यादा पुलिस, अपोजिशन लीडर्स एंड मीडिया पर्संस हु ट्राइड टू रीच द बाय मासिव पुलिस फोर्स टू रीच द विक्टिम्स फैमिली वर स्टॉप्ड एंड रॉक्ड अप। मींस एन अपेलिंग इंसिडेंट्स, यहां ये शब्द अपेलिंग, इंस्टेंस ऑफ डिक्टेटोरियल बिहेवियर, इंग्लिश मीडियम वाले इन शब्दों का इस्तेमाल करें और हिंदी मीडियम वालों को मैं इनकी हिंदी बताऊंगा तो वही इस्तेमाल किया जाएगा, ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अरे भाई CSDS के लेक्चरर लिख रहे हैं तो खतरनाक ही लिखेंगे, ये रियलिटी है। टायरनी मीन्स अन्याय, अत्याचार, जबरदस्ती सरकार की, हाउस अरेस्ट, उसे हाउस अरेस्ट में दे दिया, पूरा गांव ही बैरिकेड कर दिया गया, बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स खड़ी की गई, अपोजिशन लीडर्स और मीडिया पर्सन को भी विक्टिम से नहीं मिलने दिया गया। भाई डेमोक्रेसी में मिलने तो दो यार, तुमने उसे मिलने नहीं दिया गया, ये सरकार के ऊपर इनके खुले आरोप है। रॉक स्टॉप्ड एंड रफ्ड अप, धक्के तक दिए गए, मारपीट की गई, और जो भी है। अपेलिंग शब्द का मतलब है भयंकर, अपेलिंग का मतलब भयंकर घटना है, डिक्टेटोरियल बिहेवियर किसका, सरकार का निरंकुश चेहरा, सरकार का निरंकुश चेहरा या फिर निरंकुश व्यवहार, किस लिए, टू दैट मेड मॉकरी, मजाक ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र, इस पूरे के पूरे मामले को, संवैधानिक राजतंत्र को, जिस तरीके से हमारे देश के संवैधानिक राजतंत्र को जिस तरीके से मजाक बनाया गया वो सच में बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है। आगे, शेपिंग द डिस्कोर्स, अब यहां पर असलियत में मामला यह है, डिस्कोर्स का मतलब होता है वाद विवाद, वाद या संवाद, यानी बातचीत को या मामले को किस तरीके से मोड़ा तोड़ा मरोड़ा गया है, ये आर्टिकल ये आपको खुले तौर पर बता रहा है। इसमें यह बताया गया है आई शैल नॉट हाउएवर फोकस एनी ऑफ दीज, खुले तौर पर कि ठीक है मैं इन सब के ऊपर फोकस नहीं करता, साफ बात, ऊपर वालों के ऊपर जो भी इन्होंने XYZ बोला, कहते हैं उनको छोड़ो एक बार को, शॉर्ट में उनको छोड़ो, अटेंडिंग इंस्टेड टू द स्लिपरी स्पीच का मतलब क्या है, यहां पर ये वर्ड सोच कर देखिएगा, शब्द आ रहे हैं स्लिपरी स्पीच ऑफ स्पोक्स पर्सन्स,
ऑफ द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी के जो स्लिपरी स्पीच, फिसलने वाले या अविश्वसनीय या बेतुके, अविश्वसनीय या बेतुके बयान, बेतुके, एज दे ट्राई टू शेप द डिस्कोर्स अराउंड द हॉरिफिक इंसिडेंट्स, जैसे उन्होंने इस भयंकर घटना के आसपास जो है वाद विवाद को घुमाने की कोशिश करी, बातों को घुमाने की कोशिश करी, वाद विवाद तो खुद कह छोड़ो, बातों को घुमाने की कोशिश करी। अब यहां समझिए बहुत ही अच्छा, यूजिंग फॉल्स आर्ग्यूमेंट टू डिसीव द लिसनर इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री का मतलब होता है बेतुका बयान, बेतुकी बयानबाजी, बेतुके कुतर्क, समझे, मिलावट या जो भी है। डिसीव का मतलब धोखा देना या किसी भी तरीके से घुमा फिरा देना। गलत आर्ग्यूमेंट्स करना तो बिहेवियर होता है कुतर्क का, वाद विवाद का, जिसने बात को घुमाना फिराना हो उसका। यहां बट व्हाट वाज हर्ड हेयर वाज यूज ऑफ ट्रू स्टेटमेंट टू हाइड अदर मोर अर्जेंट और रेलेवेंट ट्रूथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई के असलियत में। यहां समझिए कि राज्य किस तरीके से ट्रू स्टेटमेंट्स, जो सही स्टेटमेंट्स हैं, उनको मोर अर्जेंट यानी बहुत ज्यादा जरूरी और तथ्यात्मक सच हैं और बहुत ज्यादा जरूरी और रेलेवेंट यानी वास्तविक जो जरूरी तथ्य हैं उनको छुपाने के लिए दूसरी सही स्टेटमेंट तो इस्तेमाल कर रहा है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? ये दिस इज नो ऑर्डिनरी फेक न्यूज। यहां आप फेक न्यूज के मामले में आ सकते हैं और मिस इंफॉर्मेशन, ये दो शब्द सरकार और मीडिया के ऊपर, कि ये एक तरीके का कोई एक ऑर्डिनरी, मतलब कोई ये साधारण फेक न्यूज नहीं है, कोई साधारण मिस इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कोई साधारण फेक न्यूज नहीं है और कोई साधारण मिस इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी गलत सूचना या कम सूचना, गलत सूचना नहीं है। बट द क्लेवर यूज ऑफ ये वर्ड है सीमिंगली अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद द क्लियर इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द पॉपुलेस। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि असलियत में, इसे समझिए बहुत बढ़िया तरीके से कह रहे हैं कि असलियत में सरकार गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, सरकार सही इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन के अंदर भी, सही इंफॉर्मेशन के अंदर भी जानबूझकर गलत ऐसे फैक्ट्स दिए जा रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है और पूछने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि मैंने पूछा क्या था, इसने बताया क्या है, मैंने पूछा क्या था, इसने बताया क्या है। और समझिए ट्रू स्टेटमेंट्स का, सही स्टेटमेंट को जानबूझकर ऐसी जगह बताया जाए कि सामने वाले का सवाल भी इधर उधर हो जाए, समझ में भी ना आए और अपना घाट निकल के हम निकल लें। यहां पर फेक न्यूज से ज्यादा खतरनाक ये है कि सही इंफॉर्मेशन का, तभी मैंने इसमें स्टार मार्क किया है, क्लेवर यूज ऑफ सीमिंगली अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सीमिंगली का मतलब जो लग रहे हैं कि सही हैं, सही शब्द हैं, और फ्रेजेस यानी चयन किया है सभी शब्दों का या लाइनों का, विद क्लियर इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द पॉपुलेस, यानी आम आदमी को धोखा देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। फॉर बेटर इंस्टेंसेस आर अवेलेबल ऑफ हाउ फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स आर यूज टू जनरेट फॉल्स डिस्कोर्स। बहुत बढ़िया तरीके से, जब आप कभी भी कोई, यहां ये आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र या जातिवाद के मामले में सरकार की आलोचना करने में, वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट यू शुड यूज दीज टाइप ऑफ वर्ड्स एंड दीज टाइप ऑफ लाइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थैंक्स टू राजीव भार्गव जी जिन्होंने इस तरीके का आर्टिकल, यही चीजें आपको एस्से वगैरह में लिखनी आती हैं, लाइन बाय लाइन ना लिखें लेकिन इससे आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझकर आज इस आर्टिकल को आपसे डिस्कस करने के लिए चुना है। हालांकि 8 अक्टूबर का आर्टिकल है और आज 9 अक्टूबर है, लेकिन समझिए इंपॉर्टेंस कितनी है इस आर्टिकल की, कि कुछ बेटर, फॉर फ्यू बेटर इंस्टेंसेस आर अवेलेबल ऑफ हाउ फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स आर यूज्ड टू जनरेट फॉल्स डिस्कोर्स, के अगर जो तथ्य है और सत्य है उसे फॉल्स डिस्कोर्स यानी गलत बात को शुरू करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहां इन्होंने उदाहरण दिया है, कैसे आगे समझेंगे फॉल्स डिस्कोर्स, यहां एक एग्जाम्पल लेके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां
एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं. विद एग्जाम्पल टेक फर्स्ट द इशू ऑफ मिस डिस्क्रिप्शन. समझे मिस डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है. इन्होंने आए का मतलब उन्होंने, मैं नहीं हूं यहां पे, मेरे तो औकात भी नहीं है इस लेवल का लिखने की. लेवल का इन द सेंस ठीक है यार, वो अपने आप में जहां है मैं उनका सम्मान करता हूं. मिस डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जो सही तरीके से डिस्क्राइब ना किया जाए, जो सही तरीके से जिसका वर्णन ना किया जाए वो है मिस डिस्क्रिप्शन. I heard it being said on television that I was pained. यहां इस शब्द के ऊपर ये सवालिया निशान उठाएंगे. At the death of the young woman. यहां असलियत में टीवी चैनल्स के ऊपर जिस तरीके से दो शब्दों का प्रयोग किया गया, और यूपीएससी तो शब्दों पे खेलती है, जिस तरीके से दो शब्दों का प्रयोग किया गया, pained and death, मुझे दर्द हुआ और शब्द death, इन दो के ऊपर सवालिया निशान कैसे हैं. ऑन द फेस ऑफ इट इट साउंड सेंसिटिव एंड एप्ट. सेंसिटिव है कि हां संवेदनशील है और पर्याप्त है, और पर्याप्त है, सेंसिटिव है और क्या है, पर्याप्त है. लेकिन असलियत में क्या है, इट इज ट्रू आफ्टर ऑल दैट भारती डाइड. ठीक है, मानते हैं कि हां भारती मरी एंड उसकी मृत्यु हुई, एंड एक्सप्रेशन ऑफ पेन एट द लॉस ऑफ लाइफ सीम्स फिटिंग, बट इज इट. यहीं पे सवालिया निशान है कि दिख रहा है कि उनकी मृत्यु हुई और मुझे दर्द हुआ, और मुझे दर्द हुआ. इट इज इन सिंस इट इज इनकॉन्ट्रोवर्टिबली ट्रू दैट शी वॉज मर्सीलेसली पल्वराइज्ड एंड इवेंचुअली किल्ड. उसको बहुत बुरी तरीके से, ये इस बात में कोई शक नहीं कि उसे बिना किसी दया के मर्सीलेसली यानी निर्दयता से पुलवराइज किया गया, यानी किसी तरीके से घसीटना या किसी भी तरीके से मारना पीटना, और लास्ट में उसे मार दिया गया. उसका प्रयोग किया गया, मारा काटा गया और लास्ट में उसे वो लास्ट में मर गई. द टर्म डाइड इज एंटायरली इनअप्रोप्रिएट. कि यहाँ जो शब्द डाइड है, इन्होंने देखो कितने बढ़िया तरीके से बताया कि यहां जो शब्द डाइड है वो कितना ज्यादा इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि डेथ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है ये बताने के लिए कि जो डिमाइज हुआ है किसी का भी पर्सन बाय नेचुरल कॉजेज. डिमाइज का मतलब मृत्यु हुई है, बाय नेचुरल कॉजेज एक्सीडेंट सुसाइड और मर्डर. भाई इन चार में से कैसे डेथ हुई है ये नहीं पता, और इसीलिए डेथ शब्द का यूज करके मर्सीलेसली पल्वराइज्ड का जो कंसेप्ट है वो खत्म कर दिया. कि यानी उन्होंने घटना की जो दरिंदगी है उसे कम कर दिया. जानबूझकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना, पेंड एंड डेथ, पेंड एंड डेथ. अब आगे टू स्पीक ऑफ द डेथ ऑफ पर्सन व्हेन शी वाज मर्डर्ड इज ग्रॉस मिसलीडिंग. अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो मर्डर हुआ यही सबसे ज्यादा ग्रॉसली मिसलीडिंग है, यानी लोगों को मिसलीड कर रहा है, लोगों को का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है. इफ यूज परसिस्टेंटली लगातार एंड डेलिबरेटली जानबूझकर इट इज नथिंग बट अनफॉरगिवेबल सोफिस्ट्री. यानी एक ऐसे बेतुका तर्क है या बात को घुमाने का एक ऐसा बहुत ही जिसे कहते हैं असहनीय तथ्य है, मामला है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि बात को जानबूझकर घुमाया जा रहा है. इट ऑब्फस्केट्स ट्रुथ. ऑब्फस्केट्स मींस जानबूझकर उलझाना या समझ से परे है. इट ऑब्फस्केट्स ट्रुथ, ये जानबूझकर सत्य को उलझा रहे हैं. अब यहां दूसरा शब्द आता है पेन, तभी आप देखोगे ना उसकी जो इमोशंस हैं लोगों के अंदर वो कम कर दिया गया. दर्द हुआ मुझे उसकी हत्या पर. अब सवाल ये है हत्या कैसे हुई, वहां से ध्यान हटा दिया गया. लाइकवाइज पेन अलोन, पेन उसी तरीके से, पेन अलोन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट इमोशन इन द फेस ऑफ अ ब्रूटल मर्डर. जिस निर्दयता से, जिस बर्बरता से मृत्यु हत्या की गई उसमें जो पेन है वो उस लेवल के दर्द को नहीं दर्शाता. टू नॉट टू हैव फीलिंग ऑफ एंगर, हॉरर, आउटरेज
आउटरेज, कि ना तो इसमें गुस्सा है, ना भय है, ना ही आउटरेज यानी हिंसात्मक कृत्य के लिए किसी प्रकार का कोई मेंशन है। इंडिकेट्स एंड इमोशनल एंड मॉरल डिसएबिलिटी, ये वर्ड भी यूज होगा कि इंडिकेट्स एंड इमोशनल एंड मॉरल डिसएबिलिटी, यानी कि किसी ना किसी तरीके से भावनात्मक और नैतिक अक्षमता या पंगुता। डिसेबिलिटी का मतलब पंगु होता है, पंगु यहां पर स्थापित हुआ यानी यहां पर अक्षमता स्थापित हुई। ओवरऑल द एक्सप्रेशन ऑफ पेन एट भारतीज गैस्टली मर्डर, गैस्टली मर्डर किसी भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को काम आ जाएगा, इज एन इनएडिक्वेट इमोशन अकंपनिंग द ग्रोस मिस डिस्क्रिप्शन, कि ये असलियत में जो गैस्टली मर्डर है वो इनएडिक्वेट इमोशन है, यानी जो इमोशन होना चाहिए वो इमोशन नहीं है, जो इमोशन होना चाहिए वो इमोशन यहां पर नहीं है, ग्रॉस मिस डिस्क्रिप्शन है, ग्रॉस मिस डिस्क्रिप्शन है, यानी ढंग से इसे डिस्क्राइब नहीं किया गया है, अपूर्ण रूप से वर्णित किया गया एक कृत्य है, बहुत ही बुरे तरीके से, ग्रॉस मीन्स बहुत बुरे तरीके से वर्णित किया गया एक तथ्य है। टुगेदर दे हाइड द ट्रूथ ऑफ ग्रूसम इंसिडेंट, और जब पेन प्लस डेथ होगा, दर्द हुआ और मृत्यु हुई, तो असलियत में ये जो पूरी घटना, दरिंदगी भरी घटना जो है उसको इसने छिपा दिया है, दरिंदगी भरी घटना जो है उसे इसने क्या किया, छुपा दिया। बार बार समझिएगा इस इंसिडेंट को और ये आर्टिकल बहुत काम आएगा। इन ह्यूमन सिचुएशंस फाइंडिंग जस्ट द राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैज अकर्ड इज ऑफन द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, ये सेंस ऑफ द आर्टिकल है, ये सेंस ऑफ द आर्टिकल है। आर्टिकल की सेंस क्या है कि असलियत में ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से सत्य और झूठ का जो पुलिंदा होता है उसके बीच का डिफरेंस इन्हीं शब्दों से क्रिएट कर दिया जाता है, झूठ सत्य को झूठ के पुलिंदे से कैसे ढक दिया जाता है, इसी तरीके के शब्दों के फेर से, बहुत ही ध्यान से शब्दों के फेर से इसे डिस्क्राइब कर दिया जाता है, और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम करें तो करें क्या, या हमारे साथ हुआ क्या, या फिर उस मामले का क्या किया। धीरे धीरे आपके दिमाग से इस मामले को उतार दिया जाता है। इररेलेवेंट एक्सप्लेनेशन, इसके ऊपर तो इररेलेवेंट एक्सप्लेनेशन के ऊपर तो इन्होंने, मतलब जिसे कहते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है। मिस डिस्क्रिप्शन आर नॉट ओनली वे इन विच पावरफुल रॉन्ग डूअर्स डिस्टॉर्ट पब्लिक डिस्कोर्स एंड इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो मिस डिस्क्रिप्शन है ये सिर्फ ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो शक्तिशाली गलत काम करने वाले लोग हैं वो पब्लिक डिस्कोर्स यानी पब्लिक संवाद को डिस्क्राइब करें और अपनी जिम्मेदारी से बच जाएं। वेरी ऑफन, कई बार explanations that are otherwise factually correct are true or true are equally damaging, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। और जनरली नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी लाइनों को समझ नहीं पाते हैं कि explanation that are otherwise factually, और ये इसका एग्जाम्पल देंगे आगे, कि explanations that are otherwise factually correct और ट्रू आर इक्वली डैमेजिंग, कि जो एक्सप्लेनेशन, जो उन्होंने बात बताई वो भले ही सही क्यों ना हुई लेकिन वो उतनी ही ज्यादा हानिकारक भी होती है। कैसे? सो व्हाट टू बी मेड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ चिलिंग असाल्ट ऑन भारती बाय रेफरेंस टू द मेल प्रोपेंसिटी फॉर एग्रेशन वायलेंस एंड कंट्रोल, चिलिंग असाल्ट ऑन भारती बाय रेफरेंस टू द मेल प्रोपेंसिटी। मेल प्रोपेंसिटी का मतलब यहां पर यह है कि लोगों, मतलब लोगों का, पुरुषों का गुस्सा, हिंसा और आक्रामकता, हिंसा और नियंत्रण की तरफ जो झुकाव है, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव, जो हिंसा, सॉरी आक्रामकता, हिंसा और लोगों का आक्रामकता, हिंसा और नियंत्रण की तरफ जो आम आदमी का झुकाव है, पुरुषों का झुकाव है, वो असलियत में इसी को एक्सप्लेन करता है। भारती का मतलब जिसे कहते हैं कपकपा देने वाला मृत हत्याकांड। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, अगला एग्जांपल यहां पर दिया जा रहा है,
कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर एंटर्स अ चेयर्ड हाउस. चेयर्ड का मतलब होता है जला हुआ घर. फाइंड्स अ कैन ऑफ केरोसिन एंड यूज्ड मैचस्टिक. एक पुलिस वाला एक जले हुए घर में घुसता है, उसे वहां पर केरोसिन का बॉक्स दिखाई देता है और एक जली हुई माचिस की तिल्ली दिखाई देती है. एज ही एग्जिट्स, जैसे ही बाहर निकलता है, रिपोर्टर पूछता है हाउ हाउस कॉट फायर. रिपोर्टर ने पूछा भाई आग कैसे लगी. पुलिस ऑफिसर ऑफिस आंसर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट द लोकेशन. केरोसिन का डब्बा मिला, ये समझिए असलियत में आपके साथ भी यही खेल खेला जा रहा है सरकार के द्वारा. जो राइटर हैं राजीव भार्गव जी, वो इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि आपके साथ यही खेल सरकार खेल रही है कि आपको रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आग कैसे लगी, तो केरोसिन के डब्बे की कोई गलती नहीं बताई गई, जली हुई माचिस की तिल्ली की कोई गलती नहीं बताई गई, और बताया गया कि भाई वहां ऑक्सीजन मौजूद थी इसीलिए आग लगी. वहां ऑक्सीजन मौजूद थी इसीलिए आग लगी. और जब यहां फैक्ट इज राइट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, फैक्ट इज राइट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फैक्ट. इस तथ्य का प्रयोग कहां हुआ, असलियत में तुम्हारे को मिसगाइड कर दिया गया. ठाकुर वर्सेस दलित या अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, उसके बाद कास्ट वॉर, उसके बाद ना जाने क्या क्या, एक मनगढ़ंत कहानियां आपके सामने रखी गई और आपको लगा कि ये जो रेप था ये कास्ट वार करवा सकता था या फिर कास्ट का मामला नहीं था, ये तो रेप इज रेप एंड ऑल टाइप ऑफ थिंग्स. या फिर दूसरा कहेगा उसके उस इलाके में रेप हुआ उसमें क्यों नहीं बोलते, उसमें इलाके में रेप हुआ उसमें क्यों नहीं बोलते भैया रेप वहाँ. मतलब आपके सामने ऐसी ऐसी बातें जानबूझकर रखी जाती हैं जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता सिस्टम से या इन सब चीज़ों से, लेकिन यहाँ मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब या ख़तरनाक होता है. अब ऐसी सिचुएशन में नाउ दिस अकाउंट इज अनट्रू, इज नॉट अनट्रू, बिल्कुल सही बात है कि इसमें कोई समस्या है ही नहीं. नथिंग कैचेज फायर विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आप हवा मतलब आग लग ही नहीं सकती. द रेस्पॉन्स इज एंटायरली अन इरेलीवेंट, लेकिन जो रेस्पॉन्स था वो पूरे तरीके से इरेलीवेंट था, किसी काम का नहीं था, एंड वुड सेंड द न्यूज रिपोर्टर इन टू अ टिजी. वो घबरा जाएगा कि भाई मैंने सवाल क्या पूछा था और जवाब क्या दिया. द आंसर इज रॉन्ग बिकॉज अ गुड एक्सप्लेनेशन नीड्स टू नॉट मियरली फैक्टफुली राइट, ये आपको यूपीएससी के कंसेप्ट में आएगा, बट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन एट हैंड. यहां आपको सरकार की आलोचना का फैक्ट मिल गया कि असलियत में समझिए कि आंसर गलत है, ऑक्सीजन से आग लगी, लेकिन गुड एक्सप्लेनेशन नीड्स टू नॉट मेरली फैक्चुअली करेक्ट. गुड आंसर जो है वो फैक्चुअली करेक्ट होने के साथ साथ रेलेवेंट टू द क्वेश्चन एट हैंड भी होना चाहिए, यानी जो सामने क्वेश्चन है, हैंड का मतलब हाथ में सवाल नहीं होता, हैंड का मतलब है जो सवाल सामने है या जो सवाल पूछा गया है उसका भी सही जवाब होना चाहिए. आगे, श्योरली एट द बैक ऑफ द रिपोर्टर्स माइंड इज वट एवर द हाउस वॉज बर्न्ड एक्सीडेंटली और इंटेंशनली. यहां सवाल पूछा गया कि आग कैसे लगी, तो उसके बारे में रिपोर्टर के दिमाग में क्या बात हुई होगी कि भाई वो जो एक्सीडेंट था या इंटेंशनली किसी ने आग लगाई. सवाल पूछा जो रिपोर्टर ने वो क्या पूछा कि भाई सवाल ये था कि सवाल जो आग लगी, उदाहरण वाला बता रहा हूं कि जो आग लगी वो जानबूझकर की गई एक मतलब एक घटना है जो घटित हो गई, या फिर जानबूझकर किया गया एक कृत्य है, या फिर जानबूझकर किया गया एक कृत्य है. ऐसे में एक्सीडेंटली है यानी गलती से लग गई, फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता. अगर इंटेंशनली है तो अगला सवाल होगा हु कॉज्ड इट एंड व्हाई.
अगला सवाल क्या होगा, किसने किया और क्यों किया। लेकिन जैसे ही आपने कहा जी ऑक्सीजन थी तो आग लग गई, जैसे ही आपने कहा कि ऑक्सीजन थी और आग लग गई तो क्या होगा कि एक्सीडेंटली या अनइंटेंशनली, तो जैसे कहोगे इंटेंशनली तो कहेगा अगला क्वेश्चन क्यों लगी, कैसे लगी, किसने किया। अब सरकार ने जैसे ही कहा ऑक्सीजन तो वो तो गरा, वो बात तो गई कि किसने किया कैसे किया, बात क्या आ गई कि जी अच्छा ऑक्सीजन ने आग लगाई, एक काम करते हैं ऑक्सीजन को हटाते हैं। चालाक सरकार ने आपके सामने से फैक्ट को इस तरीके से, असली वाले रिक्वायर्ड फैक्ट को गायब करके इस तरीके के सिचुएशन क्रिएट कर दी कि आप सोच ही नहीं पा रहे कि आगे पूछूं क्या, और सरकार चुपचाप निकल ली। एक उदाहरण सरकार के ऊपर यह भी है, फाइंडिंग द मोटिव एंड एट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ क्राइम एक्ट क्रिमिनल एक्ट इज वाइटल। ये लाइन याद रखो, इंपॉर्टेंट है कि असलियत में मोटिव जो उद्देश्य है, और एट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट्रीब्यूट का मतलब स्थापित कर देना या फिर विषय मतलब एक लक्षण स्थापित करना कि किसने किया, फॉर क्रिमिनल एक्ट इज वाइटल, कि जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, जो अपराध हुआ है, उसका मोटिव उद्देश्य क्या था, किसकी उसके लक्षण क्या थे, वो बताया जाए। Likewise, it is probably true that males are prone to aggression. हाँ, ये माना जाता है, होता है कि मान लेते हैं कि males जो हैं उनमें आक्रामकता होती है। Yet, like oxygen, this part of standing condition of specific acts of rape and murder, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि oxygen है, male तो होते ही aggressive हैं, तो rape होगा ही होगा। Oxygen थी तभी आग लगी। असली बात ये नहीं है, ये नहीं है। It is not explanatory relevant in most cases of actual violence such as hathras. हाथरस में एक्चुअल वायलेंस का ये केस नहीं है। इफ आवर इंटरेस्ट इज इन फाइंडिंग द पार्टिसिपेटिंग कॉजेज फॉर व्हाई वारती वाज असॉल्टेड, वी नीड टू आइडेंटिफाई लोकल सोशल इकोनॉमिक कल्चरल परहैप्स पॉलिटिकल फैक्टर्स। यहां राइटर कहना चाहते हैं कि अगर आप भारती के रेप केस के को ढंग से ढूंढना चाहते हैं तो जो स्थानीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक हैं उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। टू प्रोवाइड इररिलेवेंट एंड जनरल स्टेटमेंट्स इंस्टेड इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लॉय टू हाइड द ट्रुथ एंड टू कवर द पॉसिबल क्राइम। और बेफालतू की बेतुका स्टेटमेंट या बयान देने से असलियत में कुछ नहीं होगा कि जो सत्य है उसको ढक दिया जाएगा और जो संभावित अपराध हुआ है उसको बचाकर निकल जाया जाएगा, जो कि गलत है। लाइकवाइज ब्रॉडनिंग द डिस्कशन इन इमीडिएट aftermath ऑफ एट्रोसिटी बाय स्पीकिंग जनरली अबाउट रेप्स ऑल ओवर द कंट्री डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द स्पेसिफिक एट्रोसिटी इन हाथरस एंड लेट्स इट्स परपीट्रेटर्स गेट ऑफ द टुक। असलियत में यह कहना कि जस्ट रेप होके जस्ट बाद यह कहना कि पूरे हिंदुस्तान में रेप होते हैं तो हम क्या करें, असलियत में पूरे देश को या स्पेसिफिक एट्रोसिटी एक विशेष प्रकार का जो अत्याचार हुआ है, गुनाह हुआ है, क्राइम हुआ है हाथरस में, उसके गुनहगारों को उसको ढक देना और उसके गुनाहगारों को फांसी के फंदे से या किसी भी प्रकार के अपराध बोध से बचा लेना है। अब यहां असली अगला पॉइंट क्या आ जाता है, आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, विक्टिम की आइडेंटिटी क्या है, ये थर्ड पॉइंट। और बहुत सेम बात ये है कि नीड टू मेक इट ऑल टू से दैट भारती वाज असॉल्टेड एंड मर्डर एंड स्टॉप देयर इज बीइंग बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज ट्रुथ मोर मोरली कैलस। मींस ये है कि भाई सीधी सी बात है ये कहना कि उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी या ट्रुथ और मोरलिटी को जो है कैलस यानी कि पूरे तरीके से संवेदनाहीन बताना है, संवेदनाहीनता है। मोर कैलस में मोरली कैलस मीन सत्य के साथ खिलवाड़ करना है और नैतिकता के अनुसार नैतिक संवेदनहीनता है। ओमिशन ऑफ अ डिटेल विदहोल्ड्स द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर ऑफ द स्टोरी। भाई अगर प्रॉपर डिटेल्स को आप गायब कर देते हैं तो स्टोरी का जो क्रूशियल फैक्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फीचर है, गुण है, उसे गायब कर देते हो। वन विदाउट विच वट हैपन्ड कैन नॉट बी अंडरस्टूड एंड एक्सप्लेन, जिसके बगैर आप सोच भी नहीं सकते, इस तरीके की लाइनें काम आती हैं। हॉरेंड्रस डरावना भयंकर भयावह एज ऑल रेप्स आर, जैसे कि मानते हैं कि सभी रेप होते हैं। इट वॉज नॉट जस्ट एनी वोमेन हु वॉज ब्रुटलाइज्ड बाय सम मैन बट
दलित हु वॉज सेक्सुअली असोल्टेड एंड किल्ड बाय अपर कास्ट मैन। यहां असली मुद्दे पर आए हैं ये कि लड़की की आइडेंटिटी इसलिए जरूरी होती है कि असलियत में उसके ऊपर ढूंढना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक औरत के ऊपर आदमी का अत्याचार है, आदमी एग्रेसर है, रेप्स कर रहा है, होते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रेप के पीछे एक और मानसिकता जातिवाद को बढ़ावा देने वाली या जातिगत सर्वोच्चता की मानसिकता भी यहां पर रही हो। दलित हु वाज सेक्सुअली असॉल्टेड एंड किल्ड बाय अपर कास्ट मैन, दिस क्राइम वुड लाइकली नॉट हैव अकर्ड, ये समझ लीजिएगा, इफ इट वॉज नॉट फॉर भारतीय दलित आइडेंटिटी। ये मानकर चला गया कि अगर भारतीय दलित ना होती तो शायद ये क्राइम ना होता। इंस्टेड शी वॉज रिपोर्टेडली गैंगरेप्ड एंड मर्डरसली बीटन नॉट ओनली बिकॉज शी वॉज अ दलित बट प्रिसाइसली बिकॉज इन द पास्ट हर फैमिली हैड रेजिस्टेड अपर क्लास डोमिनेशन। असलियत में यहां मामला भी है कि वो दलित तो है, साथ में उसकी फैमिली ने अपर कास्ट के डोमिनेंस को भी अपोज किया, रजिस्ट किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई, इस वजह से भी हो सकता है। इवन भारती डिड नॉट रिमेन म्यूट, शी ले बेटर्ड बट नेम्ड हर परपेट्रेटर्स इन हर डाइंग डिक्लेरेशन। अपने मरते हुए बयान में उसने भी चुप रहना सही नहीं समझा और मरते हुए के बयान में इन चारों का नाम लिया। सो इट इज नॉट फॉल्स टू से दैट अ यंग वुमन वॉज असोल्टेड एंड मर्डर्ड बाय ब्रूटल मैन बट टू इग्नोर भारतीज दलितनेस। अब ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। असलियत में दलितनेस एंड हाइड द कास्ट रिलेटेड नेचर ऑफ द क्राइम इज टू फेल टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन। यानी कई बार क्वेश्चन अगर आएगा कि रेप रेप होता है उसमें दलित का नाम क्यों बताते हो, तो असलियत में इंटेंशन भी तो गायब हो जाती है, इंटेंशन भी तो गायब हो जाती है ना उस पर्टिकुलर फैक्ट की या पर्टिकुलर क्राइम की। प्रोवाइड अ फॉल्स अकाउंट फॉर इट द क्राइसिस क्रॉसिंग को प्रेजेंस ऑफ कास्ट एंड क्राइसिस क्रॉसिंग को प्रेजेंस, को प्रेजेंस मीन्स दो चीजें थी, कास्ट एंड जेंडर, दैट ट्रूली एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन टू भारती इन हाथरस। कि भैया यही हुआ कि भारती के साथ हाथरस में क्या हुआ, क्योंकि इसमें अकेला जेंडर नहीं था, कास्ट भी शामिल था। इग्नोरिंग और कंसीलिंग दिस फॉल्सिफाइज द अकाउंट इवन वेन नो फैक्चुअली इनकरेक्ट जनरल स्टेटमेंट नो आउट राइट लाई इज ऑफर्ड। इग्नोरिंग और कंसीलिंग मीन्स इन फॉल्सिफाइज अकाउंट्स को बचा, झूठे आरोपों से बचाने के लिए, झूठे अकाउंट को या जो भी डिस्कोर्स चल रहा है उसे रोकने के लिए आपको सही चीजें आगे करनी पड़ेंगी। इसका ओवरऑल मतलब ये है, वी कैन नॉट पेपर ओवर द डिफरेंस बिटवीन द हेरेंडरस एक्ट ऑफ किलिंग अ वुमन और पर्सनल हेटर्ड फॉर विच किल्ड, जो भी है इसका आप अगर देखेंगे तो कास्ट रिडन सोसाइटी, ये मेन पार्ट है यहां का, इन अ कास्ट रिडन सोसाइटी सम ग्रुप आर इम्प्रिजेंड इन देयर कास्ट फेसिंग हेरेंडरस कॉन्सिक्वेंसिस सिंपली ऑन अकाउंट ऑफ द फैमिली इन टू विच दे आर बॉर्न। क्योंकि कुछ फैमिलीज में वो पैदा हुए इसलिए उनको जाति की वजह से बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ वेयर प्रिसाइजली देयर फैमिली हैपन टू बी लोकेटेड इन कास्ट हायरार्की, यानी जातिगत स्तर पर उसकी फैमिली कहाँ है, उस चीज की वजह से भी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब यहां एक शब्द है इनएडिक्वेसीज ऑफ होमिलीज। होमिलीज का मतलब है उपदेश। जो भी उपदेश का मतलब यह है कि जो भी लेसन, जो भी मैसेज सरकार को दे, सरकार या इस केस के थ्रू मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इस केस के थ्रू जो भी मैसेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल यह है कि भाई दिस इज मतलब यूजुअली द सेम इज ट्रू फॉर आवर रिलीजियस आइडेंटिटी, हमारी धार्मिक पहचान के साथ भी ऐसा ही है। दिस इज वाई द टारगेटिंग ऑफ दलित्स और मुस्लिम्स ऑल ओवर इंडिया और कश्मीरी पंडित्स ओनली बिकॉज ऑफ हु दे आर ब्रिंग इन टू द डायमेंशन ऑफ वायलेंस दैट कैन नॉट बी कंडेम्ड बाई जनरल होमिलीज सच एज ऑल किलिंग इज हॉरेबल एंड ऑल रेप्स आर टेरेबल। ये साफ बात कह रहा है कि असलियत में जो मुस्लिम्स के साथ या दलितों के साथ या कहीं पर भी, जैसे कश्मीरी माइनॉरिटी, कश्मीरी पंडित वहां माइनॉरिटीज थे, उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनके साथ जो रेप केसेस हुए, वो सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि वो जेंडर बायस थे या कुछ भी थे। असलियत में वो ये थे क्योंकि उनके यहां धर्म और जाति का यहां पर मायने रख रहा था।
धर्म और जाति वहां मायने रख रही थी, और इसलिए उन इंसिडेंट्स को यह कहना कि ऑल किलिंग्स इज हॉरिबल एंड ऑल रेप्स आर टेरिबल, ये ठीक नहीं है, ये साधारण उपदेश यहां पर फिट नहीं बैठता। जनरलाइज्ड स्टेट्समेंट टेंड टू ऑब्लिटरेट द वेरी रीजन फॉर विच सम पीपल आर किल्ड। जो जनरलाइज्ड वो हैं, वो असलियत में जनरलाइज्ड ओपिनियंस जो है, स्टेटमेंट्स जो है, जो साधारण तौर पर दी जाती हैं, वो असलियत में जो नृशंसता है किसी भी एक पर्सन के साथ उसे धुंधला कर देती हैं या कम से कम कमजोर कर देती हैं, मिटा देती हैं। टू मिसट्रीट, डिस्क्रिमिनेट एंड टारगेट इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ देयर कलर, जेंडर, रिलीजन एंड नेशनलिटी इज टू कमिट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपके बहुत काम आने वाला है, कमिट अ क्राइम क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर हॉरिफिक एक्ट्स। असलियत में उसको कि अगले हॉरिफिक एक्ट को रोकने के लिए हमें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। फॉर इट अटैक्स एंड टेररिज टेररिज नॉट जस्ट वन पर्सन बट हर एंटायर कम्युनिटी। इन ये जो अटैक होते हैं एक पर्सन पर नहीं, पूरी कम्युनिटी के ऊपर होते हैं। टू ओमिट एनी मेंशन ऑफ दीज स्पेसिफिक ग्रुप आइडेंटिटीज वेयर रेलिवेंट इज देन टू एंटायरली मिसडिस्क्राइब द क्राइम एंड ऑब्सक्योर द रियल कॉज। कि सीधी सी बात यह है, आप को किसी भी तरीके का स्पेसिफिक ग्रुप आइडेंटिटीज को जब तक उसमें मेंशन नहीं करेंगे, तब तक उसके खिलाफ होने वाली जो एट्रोसिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी गायब हो जाएंगी और उसका एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसकी एक इंटेंट खत्म हो जाता है। शॉर्ट में ये है, केसेस सच एज हाथरस एट्रोसिटीज, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के अंदर खासकर, एट्रोसिटीज वेयर कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन आर डीपली इंटरवींड होगा एक दूसरे जुटे हुए। वन कैन नॉट फोरग्राउंड जेंडर इन अ वे दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम सीइंग द कैजुअल रोल ऑफ कास्ट इन द वायलेंट एक्ट। सीधी सी बात यह है कि एक आदमी जो है फोरग्राउंड जेंडर इन अ वे, मतलब हर जेंडर को एक तरीके से नहीं दे सकता जिसमें कास्ट भी इन्वॉल्व हो। टू डी एम्फेसाइज दिस पॉइंट इज टू फॉल्सिफाई द नैरेटिव। असलियत में इस कास्ट और रिलीजन के ऊपर एम्फेसिस ना करना, असलियत में जो नैरेटिव है, जो वास्तविकता है, उसको फॉल्सिफाई करना है, खराब करना है। टू प्लेस एम्फेसिस ऑन जस्ट वन एंड नॉट ऑन द अदर, एक को एक के ऊपर करोगे दूसरे के ऊपर नहीं करोगे, तो डिस्टॉर्ट द अमाउंट अकाउंट, वो पूरे के पूरे व्यवस्था को ही खत्म कर देगा जो उसकी वजह से होने चाहिए। दिस पॉलिटिकली मोटिवेटेड सोफिस्ट्री इज डेंजरस। ये राजनीति से प्रेरित जो कुतर्क हैं, जो वाद विवाद के अंदर मामला खराब कर देते हैं, बिगड़ना है, वो बहुत खतरनाक है। बाय लेजिटिमाइजिंग द क्राइम इट हेल्प्स परपिचुएट इट। असलियत में क्राइम को लेजिटिमाइज करना, असली इस तरीके के क्राइम को लेजिटिमाइज करना या डिस्ट्रैक्ट करना, असलियत में इसके जो अपराधी हैं उन्हीं को समर्थन देगा या उन्हीं को सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये एक टॉपिक है आपका आर्टिकल जो मैंने आपको बताया। बाकी 8 तारीख के जो आर्टिकल्स हैं हमने ऐप के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उन्हें देख सकते हैं हमारी ऐप डाउनलोड करके। थैंक यू।